acid also नहीं कराया करो हर रोज, ठीक है? ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताई है कि शिक्षा विभाग द्वारा जागरूक डायरिया जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 10 बीमारी पर व्याख्यान और उससे संबंधित गतिविधियां, हैंड वॉशिंग इत्यादि की व्यवस्था आपके लिए की गई है और ऐसा सभी स्कूलों में ये मनाया जा रहा है। और जैसा कि आपको कल भी बताया गया था कि डायरिया क्या होता है, डायरिया पर व्याख्यान दिया गया था, इसी कड़ी में आज हम आपको, जैसे हम कहते हैं कि शौच जाने के बाद हाथ धो, खाना खाने से पहले हाथ धो, छींक आई खांसी आई हाथ आगे रख लेते हैं, उसमें खाना खा ले उसमें तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे हाथ में आ गया, तो उस समय भी आप हाथ धो, माता जो बच्चे को दूध पिलाए उससे पहले हाथ धो, खेत कर आए सीधा खाना खा ले उससे पहले हाथ धो। कितनी ही परिस्थितियाँ हर रोज हमारे सामने आती हैं जब हमें हाथ धोने चाहिए ताकि हम हमारे पेट में इन्फेक्शन ना हो, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया भोजन के माध्यम से इन उंगलियों में नाखूनों में फंसे हुए मैल क्या है, ये भी लाखों बैक्टीरिया हैं। अगर हमें नंगी आँखों को दिखाई नहीं देते, वाओ माय हैंड्स आर क्लीन, मज़ा आ गया, बट इट इज़ नॉट सो। अगर आप फिक्सर कैसी यंत्र लगाएं अपने नेल पर भी, यू विल सी सो मैनी बैक्टीरिया हिडन इनसाइड, ठीक है बच्चों? तो अब उसको क्लीन करना है, बाहर निकालना है, कैसे करेंगे वो? प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज द वे, ठीक प्रकार से हाथ धोएंगे तो ऐसा हो पाएगा। तो आज आपको हम बताएंगे इसी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि उचित प्रकार से हाथ किस प्रकार धोए जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें, उसके बाद आपको भी बुलाया जाएगा किसी भी बच्चे को और वो हाथ धोकर दिखाएगा। अब यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए कौन आएगा? होल और वाटर की What is this? Live boy. मत जाओ भाई, ये प्रोग्राम हो जाएगा, ये तो लाइव बॉय का स्पॉन्सर है। दिस इज जस्ट अ शॉप, है ना? शॉप केक है, अलग अलग फॉर्म में आता है शॉप भी। किस किस फॉर्म में आता है? नंबर वन, आपने देखा होगा आजकल एक बोतल आती है वो लिक्विड फॉर्म होती है, वो भी छाछ बनाता है, ठीक है? इसी प्रकार पाउडर फॉर्म में भी आता है, वो भी सॉप है, पेपर सॉप आता है, यस गुड। और अगर साबुन नहीं है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी से हाथ धोले, मिट्टी से धोले, नो नो नेवर, मिट्टी से हाथ नहीं धोना, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरिया जीवाणु के अंडे होते हैं। किसी से धोएं अगर साबुन की व्यवस्था नहीं है तो राख में वो बैक्टीरिया नहीं है, पहले लोग जल चुके होते हैं उसमें वो एंटर भी नहीं कर पाते। तो वी कंटिन्यू विद हैंड वॉशिंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाथों को पानी से करेंगे। हो गया, ये था हाथ धोना, यही तो होता है जनरली।
ठीक है ना। बच्ची ने हाथ को ढीला किया है, साबुन लगा रही है। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? पाम टू पाम, राइट पाम और लेफ्ट डोर्सम इज इंटरलेस फिंगर एंड वाइस वर्सा। दूसरे हाथ में, पहले ही साथ से फिर दोनों को साथ से साथ पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरलेस्ड। बैक ऑफ फिंगर, बैक ऑफ फिंगर ऐसे तो रेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद क्लास फिंगर ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। नाउ रिंस हैंड्स विद वाटर, पानी डालो। यूज टावर है ना, और टूटी कैसे बंद करेंगे? टैप की तो बंद करनी है जो चल रही है, कैसे बंद करेंगे? उसी टावर से बंद, ठीक है ना? एंड योर हैंड वेरी नाइस। हम चाहेंगे एक बच्चा और आए, चलो से आए। कौन आएगा बेटा? हाथ खड़े करें, जो आएगा हाथ धोने को, हाथ धोने छोटे बच्चों में से। ताली बजाओ देखो इस बच्ची के लिए। Show me your nails first. Let me see.
बात नहीं है। ठीक है, आगे वो जा रही है। फेस नहीं आ रहा लड़की का, नहीं जी नहीं, फेस नहीं आ रहा इसका। उधर से कर लेते हैं, इसे इधर घुमा दो जी, थोड़ी सी फेस नहीं आ रहा इसका। फेस नहीं आ रहा इसका, हाँ चले जाओ उधर। दूसरे हाथ से भी सबका लाएगा कि साबुन खत्म हो रहा है, दोबारा लगाने से थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं हम स्टेज पर थे, है ना? ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे सिंगल टू बैक साइड, ऐसे ऊपर करो, तालियां, वेरी नाइस। ठीक है, ओके हो गया, वेरी गुड। ओके, और पानी डालना। कैसा लग रहा है? हो गया, ओके, यहीं पर तो था सब कुछ। ये आते सुधारनी है, देखो यहीं पर तो था सब। ये नहीं सोचना कि साबुन लगे हाथों में, बार बार हाथ धुले रहे, बीमारियों से बचोगे आप, देखोगे। ये टैप को इसलिए कह रहे हैं कपड़े से बंद करो, ताकि टैप में अभी भी कुछ बैक्टीरिया है ना, तो वो फिर से टच करें, फिर से जैसे हम बस में चढ़ते हैं हैंडल पकड़ते हैं, उसको कितने आदमी पकड़ते हैं, दिन में सैकड़ों, है ना? वही ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, वही पकड़ रहा है। एक प्लस टू का बच्चा है, आउट गोइंग क्लास, फोकस हो रही है सर जी। नखून सबके कटे होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल साफ करते हैं। ओके, आना चाहता है? कितने बच्चे हैं वैसे जो अपनी इच्छा से अभी धोते हैं? आप कितने बार धो लेते हो? आपको सबसे पहले जसवंत जी ने सिखाया था ना, फिर डॉक्टर साहब ने भी दिखाया,
करवाते आए थे ना, और आज भी आपको कितना अच्छा प्रैक्टिकल करवा दिया। तो अभी कितने बच्चे हैं जो धोते हैं ऐसे? आप दिन में कितनी बार धो लेते होंगे? 15 बार हो जाता है। तो आप महसूस करोगे जो बच्चे हाथ धोते हैं, दांत प्रॉपर साफ करते हैं, नाखून कपड़े अच्छे धोए धुले पहनते हैं, उनमें बीमारियां कम रहती हैं, उन परिवारों में बीमारी कम रहती है। तो नहीं तो डॉक्टर के पास ही चक्कर लग रहे हैं, डॉक्टर पैसे भी लेते हैं और कड़वी दवाई भी खिलाते हैं और वहाँ पर बैठा कर कितनी कितनी देर रखते हैं। अगर जन्म से लेकर के मृत्यु तक देखी जाए लगभग 50 लाख रुपया खर्च होता है बीमारी। हो गया और शरीर कैसा रहता है? बीमार रहता है ना, काम तो नहीं कर सकते प्रॉपर। अगर स्वस्थ शरीर हो पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, बचता है ना। तो कैन में कितनी साबुन लग जाएगी, कितना टाइम लग जाता है? ज़्यादा तो नहीं लगता ना। तो अपना खाना प्रॉपर खाना है और अपनी साफ सफाई ध्यान से करनी है। अभी इसलिए सिखाया जाता है थोड़ी उम्र में कि आप पूरे जीवन में कितना टाइम लगेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे टाइम घटता चले जाएगा। शुरू शुरू में लगता है टाइम ज़्यादा, जब आप बार बार दोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो टाइम कम लगता रहेगा। होगी सर, चल रहा है। चलो पहले कभी धोए हैं क्या? कितनी बार? चलो सब क्या पहन रखे हैं? कुत्ते बिल्लियाँ का पालते हैं ऐसे, जब मनुष्य का पालते हैं। दांत का ही बता एक दिन वो कंपटीशन करते हैं जो फुल एक्टिविटी है। जी सर, एक दिन जी सर, एक दिन उसको बुला रहे हैं। कहाँ गया? दूर करो खड़े हो गए। युवराज क्या कमी नजर आ रही है? युवराज
अब वो बच्चे आ जाएं जिन्होंने हाथ धोए हैं आज, यहाँ आ जाएं जिन्होंने हाथ धोए हैं वो। चलो आगे चलो बेटा, खड़े जो यहाँ नहीं, घर भी कह रहे हैं विजय जी, घर भी धोके आए। कैसा लग रहा है बेटे आपको? कुछ फर्क लग रहा है पहले से, है ना? मुझे तो लग रहा है अच्छा लगता है ना, तो कुछ पहले से बेटर लग रहा है आपको? इस तरह से है आपको, है ना? और आपको कैसा लग रहा है? वाह, ब्यूटीफुल हैंड्स, जो हैंड्स आप भी थोड़े कोई भी काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, ठीक है? आज का हैंड वॉशिंग का, आप सभी बच्चों ने ये प्रोसीजर आज डेमोन्स्ट्रेट करना है, जिस तरह हमने किया अपने घर जाकर अपने बहन भाइयों को और अपने माता पिता को और दादा दादी को। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? करेंगे ना सभी बच्चे? इसमें क्या है, जितना ज्ञान का प्रसार हो उतना अच्छा है, अज्ञानता जितनी दूर भागे उतना अच्छा है। लोगों की रोकथाम बारे जितनी जानकारी आप दे सकते हैं, ये सारा सामान ना मिड डे मील में पहुंचाना है तुम्हें, उठा के यहाँ जानकारी को साझा करें ताकि हम बीमारी को जो है रोकथाम कर पाए और कोई भी बीमार ना हो। थैंक यू।